हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में जो चल रहा है कोरोना के वजह से, ना तो आप ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ना तो आपकी ढंग से पढ़ाई हो रही है, और आपके सीईटी के एग्ज़ाम्स भी आने वाली है, और गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल के बाद बताया है कि एग्ज़ाम आपकी होगी। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, इसलिए हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे रेगुलरली। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ ही आपको शेयर करना है। तो और जो आपको टॉपिक यानी डिफ़िकल्ट जा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, हम वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सीईटी के लिए मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12th में भी बोर्ड के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया था, और सीईटी में भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यूनिट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम उसके शॉर्ट टेक्निक्स जो है शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है मैट्रिसेस। जैसे आपको सभी को पता है मैट्रिसेस, तो सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे 2x2, यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हैं हम a11, a12, a21 और a22। दीज आर दी 4 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, और कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 4 एलिमेंट्स है। तो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर है 2x2। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 रोज है और 2 क्या है, यहाँ पे कॉलम है, और ये क्या होते हैं, स्मॉल ए से हम जो डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट। तो हम इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो हमने ये बेसिक जो है ये पहले पढ़ लिया है क्लास 12th में। अभी हम पढ़ेंगे सीईटी की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में। आप सभी को जैसे पता है कि हमें जो है ए इनवर्स निकालने के लिए आता है, यानी ए इनवर्स हमने जो बोर्ड के एग्जाम में है ए इनवर्स निकाला था, तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकलता है और एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी उस मैट्रिक्स का क्या करना है आपको, एडजॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसकी शॉर्ट टेक्निक किस तरीके से। देखिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ए 2 1 और यहाँ पे लेता हूँ मैं 2 1 1 -1। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मुझे अगर ए इनवर्स निकालना है तो आपको जैसे पता है ये होता है 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी ये किस तरीके से फास्ट निकालेंगे, हमें यहाँ पे कोफैक्टर्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं। मैं सीधा एक टेक्निक बताता हूँ आपको, डिटरमिनेंट ए। जैसे डिटरमिनेंट ए क्या होता है, ये इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको सबसे पहले। तो इसका डिटरमिनेंट मैं बाजू में निकाल लेता हूँ। यहाँ पे डिटरमिनेंट ए 2 -1 -1 × 1, तो कितना हो रहा है, 2 × 2 -2 और ये -1, वी गेट -3। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना मिला -3। तो बस मुझे यहाँ पे रखना है 1/-3 ने लिखते हुए मैं यहाँ पे -1/3 भी लिख सकता हूँ। तो ये मुझे ए इनवर्स मिल रहा है -1/3। और एडजॉइंट किस तरीके से करेंगे, देखिए एडजॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना आपको, ये -1 है ये यहाँ पे शिफ्ट करना है, और 2 जो है यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसका शिफ्टिंग कर दिया, और ये आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो नंबर है एज इट इज रखना है, उसके साइन क्या करना है, चेंजेस। कभी भी ध्यान में रखिए, आपको अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये जो होते हैं ना, ये दोनों के साइंस क्या होंगे, चेंजेस होते जाएंगे। अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने यहाँ पे दोनों भी क्या बना लिए, यहाँ पे निगेटिव बना लिए। उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है। जो 2 की जगह है -1 ले लिया है यहाँ पे, और -1 की जगह किसने ले लिया, 2 ने ले लिया। तो ये हो गया मेरा ए इनवर्स का आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, 1 3 2 और यहाँ पे 7। तो आप भी खुद कर ट्राई कर लीजिए प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल्स टू, जैसे आपको पता है इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 7 - 3 2 6, 7 - 6 होता है 1। तो यहाँ पे 1, तो 1 का कोई महत्व नहीं रहता, 1 तो यहाँ पे हो जाएगा। अभी यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे 1 शिफ्ट हो गया, 7 और 1 की जगह शिफ्ट करना है आपको ऐसा, ये 7 की जगह आ जाएगा 1, 1 की जगह आएगा 7, और 3 और 2 वैसे रहेंगे, सिर्फ इसके क्या करेंगे, साइन हम चेंज करेंगे। तो व्हाट वी गेट आंसर, 7 -3 -2 और
वन, तो ये हो गया इसका आंसर 7 -3 -2 और 1। तो ये सिंपल टेक्निक आपके ध्यान में आ गई है। जस्ट क्या करना है आपको, एडजॉइंट निकालते समय एडजॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, इसका क्या करना है आपको, ये जो है एक्सचेंज करना है, यहाँ की पोजीशन ये लेगा ये वाला पोजीशन ये, इसके बाद आपके इसके सिर्फ साइन चेंजेस होते जाएंगे। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट ट्रिक। तो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमने किया है, अभी हम देखेंगे 3x3 के लिए किस तरीके से करना है। 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से फाइंड कर जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3x3। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एक्स 0 0 0 y 0 0 0 z, ये मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख के देता हूँ सीधा आंसर, ठीक है, ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स का इनवर्स मुझे निकलना है, तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होती है बेसिक डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की, जो एलिमेंट्स है प्रेजेंट है डायगोनल वाले और बाकी अदर्स क्या है जीरो। देखिए नीचे जो है एलिमेंट्स ये भी जीरो है, ये ऊपर वाले भी जीरो है। तो इसका टेक्निक क्या है कि आपको सिर्फ इसके रेसिप्रोकल लेना है, 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1/y और यहाँ पे आ जाएगा 1/z और बाकी सभी जो है ये रहेंगे 0 0। ये सिर्फ किसके लिए कर सकते हो आप, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदर केसेस के लिए नहीं बोला है मैंने। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। तो अगर दूसरे एग्जांपल्स आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करके चल रहा हूँ, दूसरे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए शॉर्टली, रेडो नेक्स्ट 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अभी ये जो मैट्रिक्स है ये आएगा और आपको निकालना है इसका इनवर्स। तो इनवर्स की प्रोसीजर आपको पता है कि इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, इसके को फैक्टर्स लेना है, माइनर्स को फैक्टर्स, उसके बाद एडजॉइंट एडजस्ट करो, लिखो उसको। तो इतनी बड़ी प्रोसीजर हम तो फॉलो नहीं कर सकते सीईटी के लिए, तो हमें क्या करना है, एक शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व करना है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो शॉर्ट टेक्निक क्या है ये डिस्कस करेंगे, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, ठीक है, मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, डिटरमिनेंट सबको आता है निकालना है, यहाँ पे 3 लिखना है, ये और ये क्या हो जाएगा उसी समय कट हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये हो गया कट, यहाँ पे कितना बचा है 5 × 1 5 2 2 4 5 - 4 राइट। उसके बाद क्या करते हैं, बीच वाला साइन चेंज करते हैं, ये 2 - 2 हो जाएगा, ये और अभी हो जाएगा कट, ठीक है, ये अगर कट हो गया तो क्या हो जाएगा 1 × 5 5 - 2 × 2 4 राइट। उसके बाद 6, तो ये लिखना है आपको +6, ये और ये कट 1 × 2 - 2 2 - 2 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 4 1 1 × 3 3 2 5 - 4 1 और ये बन जाएगा इधर 0 3 - 2 ये हो जाएगा 1। तो व्हाट वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 मिल गया। तो इसका मतलब कोई मतलब है ही नहीं, अपने एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, देखो 3x3 का आपको ये जो है ये रिपीट करना है, जैसे कि वैसे लिखना है, सबसे पहले 1 2 2 2 5। अभी ये जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है इसको रिपीट करना है आपको इधर, तो 3 1 2 2 1 2 कॉलम रिपीट हो गए। अभी ये पहला रो और दूसरा रो भी रिपीट करना है आपको, 3 2 6 3 2 1 1 2 1 1 हो गया इतना रिपीटेशन। इसके बाद क्या करना है, ये कट करना है आपको, इतना जो पहला रो है पहला कॉलम अभी पूरा कट करना है। अभी क्या करना है कि आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए, तो इसका पूरा काम क्या कैसे तरीके से करेंगे अपन वो देखना है, ठीक है। अभी देखो ये जो है ये मैं यहाँ पे किस तरीके से करता हूँ, बराबर देखिए आप, 1 × 5 करना है, यहाँ पे क्रॉस करना है इसका, 1 5 = 5 - 2 2 = 4 5 - 4 करना है, कितना होता है 5 - 4 1 होता है, तो 1 लिख देना यहाँ पे, 2 6 = 12 12 - 10 ये होता है 2। तो ये आप कॉलम वाइज जा रहे हैं, आपको यहाँ पे रो वाइज अरेंज करना है, 6 × 2 12 12 - 10 हो गया यहाँ पे
टू राइट, इसके बाद टू टू जा हो जाएंगे यहाँ पे फोर, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पे टू टू जा क्या करना है, फोर करना है, फोर माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, सिक्स टू जा ट्वेल्व, फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व ये टू, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स ये हो जाएगा जीरो, टू वन जा टू, टू माइनस टू जीरो, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर हो गया, और फोर माइनस सिक्स हो गया ये माइनस टू, थ्री वन जा थ्री, थ्री माइनस टू वन। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि ये मैंने जो रो यहाँ पे किया है, टू टू जा फोर, फोर माइनस फाइव कितना हुआ था, ये फोर माइनस फाइव माइनस वन, यहाँ पे फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व कितना हुआ था, फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व ये होता है थ्री, तो ये बाई मिस्टेक टू हो गया था थ्री। सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, इसके बाद टू वन जा टू, टू माइनस टू जीरो, टू टू जा फोर, फोर माइनस सिक्स कितना हो रहा था माइनस टू, और वन थ्री जा थ्री, थ्री माइनस टू वन। तो ये हो गया आपका आंसर, क्यों ये इनवर्स आ जाएंगे, यही क्योंकि जैसे आपको पता है कि वहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वन है, अगर डिटर्मिनेंट वन है तो हम ऐसे लिखते हैं ना डिटर्मिनेंट वन, तो वन अपॉन वन कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, तो वन का कोई ये तो होगा नहीं, वहाँ पे फॉल्ट आएगा नहीं। तो ये होगा लास्ट आंसर, वन टू माइनस टू माइनस वन, थ्री जीरो, जीरो माइनस टू वन, दिस इज द ए इनवर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन द मैट्रिसेस। तो अगर आपको दूसरे और लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, इसी के साथ आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हमारे लेक्चर्स अभी रेगुलर आते जाएंगे CET एग्जाम तक के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।